धर्मशाला की दुर्गा पूजा पूरे हिमाचल प्रदेश में मशहूर है। यहाँ बाशिंदों ने खासे उत्साह और उमंग के साथ मेले का लुत्फ उठाया। रंग बिरंगे परिधानों में पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने मस्ती से त्योहार का आनंद लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे सुधीर शर्मा। उन्होंने विजयादशमी के मौके पर बाशिंदों को अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही मेले का आयोजन करने वाली दशहरा कमेटी को अच्छे और सुचारू आयोजन के लिए बधाई दी। शाला की प्रबुद्ध जनता, बुजुर्गवार, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सबको मैं अपनी तरफ से दशहरे के पक्ष पर बधाई मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने दशहरा कमेटी को 3 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। अपनी तरफ से मैं जो आयोजन समिति है, अभी मुझे कह रहे थे कि बहुत खर्चा इस बार के आयोजन में हुआ है, तो 3 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। इस मौके पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। हिंदी सिनेमा के गानों पर बाशिंदे झूम कर नाचे। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण का पुतला दहन किया गया। जनमानस में ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया था, असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। इसी उपलक्ष में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर सुधीर शर्मा ने तमाम खेलों के विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित किया, साथ ही प्रशासन की स्मारिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया। रंग बिरंगी रोशनी से आकाश जगमगा उठा। बाशिंदों ने इस दिलकश नजारे का भरपूर लुत्फ उठाया।